हागा ओड़ो मिसिको आन जोसेफ साथे आपे सोबेन कुमार जोआर ओड़ो ओ रासिका बानेग अबु अने बानेग रा विषय रे चा बानेग बा परब रा विषय रे हाड़म होड़ो को नेका को जगा रे आ सीधा अबु पुरखा को एटा जाते राड़ी बाड़ी कोलो को लड़ाई किना लड़ाई रे लेपेल उपरुम कबु मेनते सार्जम सुड़ा हाथ सार्जम बाते को बाचीना किना खूब जोर ते को लड़ाई जिना आर लड़ाई तन चिमिन होड़ो को जी सेनो जना लड़ाई हुका जान तायम ते अबु पुरखा को एन लड़ाई रे चवजान को मियत ऊ रे को तुपता कोआ हुड़ी दिन तायम ते एन उआ ते मियत सार्जम दारू उमन जना आग मारंग जांची उरे बराय तन बाजना अबु हड़म होड़ो को रेल किदा ची इनता कोरे इन लेका ओड़ो जितन सार्जम रे इनका का बाकना नते इनको जीर को उड़ू किदा ची काया लड़ाई रे चबाकन अबु होड़ो को के ने बारे को बदलिए कना नीकु उड़ा तेबु आदर के कोआ नया को सलाह की ची सुड़ संगेन हाथ सर्जुम बा उड़ा ते को आउ आदर किदा नया के सर्जुम बा आद सुड़ संगेन आउ एनेटे रा काजी तो को मेनया हागा ओड़ो मिसी को रांचे ते आर्च बिशप फेलिक्स टोपो एसु समाजी आदिवासी आत अबु ने बानेग रा विषय रे जगारा कदा मारबु आयुम किया। मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों मित्रों और बच्चों, मैं फेलिक्स टोपो येसु समाजी रांची कैथोलिक आर्च डायसिस का आर्च बिशप आप सब आदिवासियों को सरहुल परब या बाहा परब के अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम आदिवासियों का जीवन जन्म से मरण तक प्रकृति से अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में सखुआ के पेड़ का प्रमुख स्थान है। इसका धड़ घर का छप्पर बनाने के काम आता है। इसकी पत्तियों से दोना और पत्तल बनाए जाते हैं। पुराने समय में पत्तियों से वर्षा से बचने के लिए गुंगू भी बनाया जाता था। इसके बीज को लोग खाते हैं। इसके फूल पूजा के समय ईष्ट देवता को चढ़ाने और प्रत्येक घर की छत पर फूल खोसी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी लकड़ी जलावन के काम आती है और इसकी कोमल नई निकलती टहनी दातून के लिए प्रयोग की जाती है। यह उचित है कि हम सरहुल परब मनाते हुए सखवे पेड़ के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। सरहुल शब्द दो शब्दों से बना है, सार और हूल। सार का अर्थ है सखवा का फूल और हूल का अर्थ है पूजा। इस तरह सखवे के फूल के माध्यम से हम गांव के ईष्ट देवता की, जो गांव की रक्षा करता है, पूजा करते हैं। यह पर्व बहुत ही अर्थपूर्ण है। मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूँ कि इस पर्व के अर्थ को अपने मन दिल में रखकर अपने पहान के साथ भक्ति भाव से और आनंद पूर्वक सरहुल पर्व या बहा पर्व को मनाएं। मैं पुनः आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जोहार।